क्या समस्या बताइए। देखिए आज बरेली के जो खिलाड़ी लोग हैं उन्होंने व्यापार मंडल को अपनी कुछ समस्याएं बताई थी। जो बरेली में स्पोर्ट स्टेडियम है, स्विमिंग पूल है, वहाँ पिछले वर्ष 1 करोड़ रुपया स्विमिंग की मरम्मत पर खर्च हुआ, इस वर्ष फिर 2.5 करोड़ रुपया आ गया। हम जानना चाहते हैं कि कोविड कार्यकाल में 1 वर्ष वहाँ कोई प्रतियोगिता नहीं थी, ना ही वहाँ स्विमिंग का कोई कोच है, उसके बावजूद भी ये पैसा बताइए। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। यहाँ पर खिलाड़ियों की कुछ समस्याएं थी। जो स्पोर्ट स्टेडियम में स्विमिंग पूल है वहाँ पर 1 वर्ष पूर्व लगभग 1 करोड़ रुपया स्विमिंग पूल में खर्च हुआ और उसके बाद 2.5 करोड़ रुपया फिर खर्च होने को बजट आ गया है। आखिर हम जानना चाहते हैं कि कोविड कार्यकाल में इस बीच ना तो कोई प्रतियोगिता वहाँ पर हुई, फिर 1 करोड़ रुपया मरम्मत में जो खर्च हुआ उसके बाद फिर 2.5 करोड़ रुपया आखिर किस मद में खर्च हो रहा है। ये आम जनता व्यापारी का पैसा है, इसकी जांच होनी चाहिए और सही जगह इसका उपयोग होना चाहिए। और अगर स्विमिंग पूल में 2.5 करोड़ का बजट आया है तो सक्षम अधिकारी वहाँ उनकी मौजूदगी में ये कार्य हो जिससे ये आम जनता की कमाई, गाढ़ी कमाई व्यर्थ ना जाए और सही जगह लगे। और व्यापार मंडल चाहता है कि बरेली में तैराकी खिलाड़ी जो हैं वो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर जाएं और इस स्तर का स्विमिंग पूल यहाँ पर बने, ऐसी हमारी मांग है। धन्यवाद। टीम सर ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने देखिए आश्वासन दिया है कि इसकी जांच करेंगे और अगर स्पोर्ट स्टेडियम में किसी प्रकार की धांधलेबाजी हुई है उसकी जाँच होगी। पिछले वर्ष और इस वर्ष भी जो बजट आया है सक्षम अधिकारी के द्वारा उसके निर्देशन में ही कार्य होगा।